वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब एक साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है, ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है, यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए, और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए, और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहे ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से जितना परसेंटेज वेस्टेज होता है हम किसी के अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी के अधिकार को बर्बाद करने का हमें हक नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। हमारे यहां वेस्टेज नहीं होने देंगे, एक बार कोशिश करेंगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। उतने ही ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होंगे।